नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है शैलेश कुशवाहा। जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले हमारा चाइना के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट के चलते हमारे 20 जवान शहीद हो गए। उसके बाद से हमारे देश में बाइकॉट चाइना सेंटीमेंट निकल के सामने आया हुआ है। अब हमें यह महसूस हो रहा है कि हमें चाइना के प्रोडक्ट को बाइकॉट कर देना चाहिए। इसके चलते सरकार ने क्या किया हुआ है, अभी सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बैन किया हुआ है, जिसमें से चाइना की वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऐप टिकटॉक है। अब दोस्तों हम अपने इस वीडियो में ये एनालिसिस करेंगे कि एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो, और हमारी सरकारें क्या कर सकती हैं जिस पे चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी थोड़ी कम की जा सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो हम ट्रेड रिलेशन में सबसे पहले देखते हैं हमारा चाइना के साथ इम्पोर्ट कितना है, चाइना से हमारे यहाँ इम्पोर्ट क्या क्या होता है। तो अगर हम इम्पोर्ट की बात करें तो चाइना से हमारा इम्पोर्ट मोर देन 65 बिलियन डॉलर से भी है ज़्यादा है। इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गया, कुछ केमिकल्स हो गए, बाकी चीज़ों की लिस्ट आप दोस्तों यहाँ लिस्ट में देख सकते हैं। अब अगर हम दोस्तों एक्सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों हमारा चाइना के साथ जो एक्सपोर्ट है वो केवल 16 बिलियन डॉलर है, जो कि बहुत ही कम है। अब दोस्तों हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है दोस्तों, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को अगर हम डिफरेंस करें तो उसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, जो कि 48 बिलियन डॉलर है, जो कि हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अब दोस्तों ट्रेड डेफिसिट, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इन सबको आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। अब दोस्तों हम कुछ स्पेसिफिक आइटम की बात करते हैं जिस पे हमारी कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंसी है। ये दोस्तों अब हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सेल फ़ोन की बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं चाइना के सेल फ़ोन MI, Vivo, Oppo, ये सारे हमारे इंडिया में जो मोबाइल फ़ोन का मार्केट है इसमें 80% मार्केट इन्होंने ही कवर कर रखा हुआ है। अब दोस्तों एक तरफ आपने देखा कि हमारा चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसके चलते हैशटैग बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग हो रहा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि ये ई कॉमर्स जो वेबसाइट हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इनमें से जो चाइना के फ़ोन हैं वो बहुत धड़ल्ले से बिक जा रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, एक तरफ तो हम बाइकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम बहुत ही तेज़ी से चाइनीज़ फ़ोन खरीदे पड़े हुए हैं। अब यही है हमारी देशभक्ति दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि लोग ये चाइनीज़ फ़ोन खरीद ही क्यों रहे हैं। अब बात ये है कि हमारे यहाँ दूसरे फ़ोन का कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, हैं तो वो भी ज़्यादा महंगे हैं। यू कैन से कि उतने अच्छे फीचर में फ़ोन, जितने अच्छे फीचर में उतने कम प्राइस में चाइना के फ़ोन आ जाते हैं, दूसरे नहीं आ पाते हैं। तो अब हम दोस्तों एक और आइटम है जो है API, जो हमारा दवाओं बनाने में यूज होता है, जो हम जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं उनमें यूज होता है, अब हम उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं API के बारे में। सबसे पहले API का फुल फॉर्म जानते हैं। API का फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब दोस्तों ये API का यूज कहाँ पर होता है, API का यूज़ दोस्तों ये जो हम दवाएं बनाते हैं ना, जेनेरिक मेडिसिन, उनमें यूज होता है। अब यूँ मान लीजिए कि जैसे हम खाना बनाते हैं उसमें से नमक, तेल, ये सब मेन कंपोनेंट होते हैं, वैसे ही दवाओं में ये API मेन कंपोनेंट होता है। अब हम चाइना से जो है 70% API हमारा चाइना से ही आता है। अब दोस्तों अचानक अगर हम API को बंद कर दें चाइना से लाना, तो इसमें से क्या होगा, API की शॉर्टेज हो जाएगी और हमारे यहाँ दवा की शॉर्टेज हो जाएगी, महंगी होने लगेंगी, जिससे हमारे देश के लोगों को दिक्कत होने लगेगी। अब बात है कि हम ये जो दवाएँ हैं अपने देशों में तो यूज करते ही हैं, उसके अलावा हम ये दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब दोस्तों अब आगे हम देखते हैं FDI के बारे में, हमारे यहाँ चाइना की कितनी इन्वेस्टमेंट है। चलिए अब FDI के बारे में बात करते हैं। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI मतलब जो दूसरी कंपनियां हमारे देश में पैसा लगाती हैं उसे FDI कहते हैं। अब हमारे यहाँ जैसे चाइना की एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है जिसका नाम है अलीबाबा, और कुछ बड़ी कंपनियों ने हमारे यहाँ के स्टार्टअप जैसे जोमैटो हो गया, ओला हो गया, पेटीएम हो गया एंड बायजूस हो गया, इन सब में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है। अब दोस्तों अगर हम अचानक से इस FDI को भी रोक देते हैं तो भी जो हमारे यहाँ के स्टार्टअप हैं इनको प्रॉब्लम हो जाएगी, और कितना कितना पैसा लगाया हुआ है आप दोस्तों इसको इस ग्राफ में देख सकते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि एज ए इंडिविजुअल हम लोग क्या कर सकते हैं जिसके हम चाइना पे अपनी थोड़ी डिपेंडेंसी को कम करें। जैसे कि जो चाइना के फ़ोन होते हैं उनकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, दूसरे कंपनियों को फ़ोन को बाई कर सकते हैं, जैसे सैमसंग हो गया। हालांकि सैमसंग का प्राइस थोड़ा महंगा होता है, फिर भी और भी हम देखेंगे, हो सकता है फ्यूचर में कुछ इंडियन कंपनियाँ आएँ वो भी अपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें, और मे भी या हो सकता है कि सैमसंग वगैरह अपने प्राइस को थोड़ा रिड्यूस करें ताकि इंडियन बायर की नीड के अकॉर्डिंग वो उनको पूरा कर सकें। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और अगर हम देखा जाए और क्या किया जा सकता है, और जैसे दीपावली का फेस्टिवल आता है उसमें से क्या कर सकते हैं कि जो चाइनीज़ लाइट वगैरह होती है उसको हम ना बाई करें, हमारे यहाँ जो इंडियन लोग बनाते हैं, जो कुम्हार लोग बनाते हैं, उनके प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर देखा हुआ था, लोग क्या करे पड़े हैं, चाइना के फ़ोन को तोड़े पड़ रहे हैं। ठीक है, अब उन चाइना के फ़ोन को तोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, या तो वो पहले ही ना बाई करते, तो अभी चाइना के फ़ोन को तोड़ के तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी सरकारें क्या कर सकती हैं। तो दोस्तों पहले तो सरकार क्या कर सकती है, जो भी चाइना से न्यू प्रोजेक्ट अब आएंगे उनको हो सके तो सरकार ना ले, मंजूरी ना दे। दूसरा, एक हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफ़ी दिनों से, लगभग 2013 से लटका पड़ा हुआ है, उसको साइन करे, उसको साइन करे। उससे क्या होगा कि हमारा ट्रेड डाइवर्सिफाई होगा, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है थोड़ी चाइना पे कम हो जाएगी। और एक अभी आपने देखा होगा कि चाइना में जो COVID-19 की वजह से जो वहाँ से जो कंपनियाँ हैं, कुछ अमेरिकन कंपनियाँ, कुछ यूरोपियन कंपनियाँ चाइना से बाहर जा रही हैं, तो इंडिया क्या करे, इंडिया की सरकार क्या करे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे एंड सप्लाई चेन को मजबूत करे ताकि वो कंपनियां इंडिया में आ सकें। अभी तो क्या हो रहा है दोस्तों, अभी तो वो कंपनियां वियतनाम जैसी कंट्रियों में चली जा रही हैं। अभी एक और अच्छी बात हुई है कि LG जो कंपनी है उसने क्या कहा है कि वो आने वाले दिनों में लगभग दीपावली तक अपने प्रोडक्शन को, मोबाइल प्रोडक्शन को जो इंडिया में बनाती है उसको 15 गुना तक करने वाली है। ठीक है, अब उसके लिए उसने कहा है कि PLI स्कीम होती है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, उसके लिए अप्लाई किया है, तो सरकार क्या करे उसको मंजूरी दे दे। उसके बाद एक और सरकार ने अच्छा काम किया हुआ है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं जैसे मोस्ट फेमस अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनमें से अब जो भी प्रोडक्ट आएंगे 1 अगस्त से उनको कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना पड़ेगा उन प्रोडक्ट में। उससे क्या है, आप पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट चाइना का है या कौन सा किसी अदर प्रोडक्ट का देश का है। अब अगर वो प्रोडक्ट चाइना का है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को बाई करना है या नहीं, इससे भी आपको चाइना के प्रोडक्ट को पहचानने में आसानी होगी। तो ये कुछ तरीके हैं दोस्तों जिनका प्रयोग करके हम अपनी डिपेंडेंसी चाइना पे थोड़ा कम कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।